सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील नसरुल्ला गंज पहुंचे और वहां आम जनता की समस्याओं को सुन उन्हें त्वरित निराकरण का भरोसा दिलाया और साथ ही इस दौरान आरिफ अकील ने बातों ही बातों में शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार के जन अधिकार कार्यक्रम के तहत सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील नसरुल्ला गंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आम जनता की समस्या को सुनकर उन्हें त्वरित न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि जब मैं यहां प्रभारी मंत्री बनकर आया तो सोचा था कि पूर्व मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कोई समस्या नहीं होगी, परंतु यहां आने पर पता लगा कि यहां आवेदनों का अंबार है और समस्याएं भरी पड़ी हुई हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। आए थे ये सोच के आए थे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का धीरे धीरे उनकी विधानसभा है, यहाँ तो कोई समस्या होगी नहीं, ना यहाँ लाइट की समस्या होगी, न स्कूल की समस्या होगी, न मंडी की समस्या होगी, न ग्राउंड की समस्या होगी, न विधवा पेंशन की समस्या होगी, सब हो चुका होगा। लेकिन आने के बाद हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जो होते हैं वो निकला और यहाँ के लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक हम गृह प्रभारी मंत्री हों, हमारे साथ कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों भाइयों के रूप में मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम किसी के साथ ना इंसाफी नहीं बनने में, चाहे कुछ हो जाए उसको, क्योंकि हमने गरीबों की सेवा करने का लक्ष्य लिया है। हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। हमने कहा कि विधवाओं की पेंशन 500 से बढ़ा के 1000 होगी, अभी हमने 600 रुपये की है, क्योंकि 5 साल में 1000 करने के बाद हम बड़ा फायदा था। इन्होंने हमें पूरा खजाना माफ खाली दिया, उसके बाद भी हमने 600 किया। किसानों के कर्जे माफ जिससे होना थे वो हमने। कुल मिलाकर मंत्री आरिफ अकील ने जनता को भरोसा दिलाया कि घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं उन्हें संकल्प के साथ पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, सीहोर।